आज मैं आपको चैप्टर आर एन एच के बारे में बताऊंगी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपवर्ड आर, डाउनवर्ड आर, अपवर्ड एच, डाउनवर्ड एच होते हैं, तो वो कहाँ यूज होते हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिंकानिया प्रेम एंड मैंने आपको बताया कि मैं आपको आज आर एन एच के बारे में बताऊंगी, बट उससे पहले आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माई चैनल शॉर्ट हैंड हब, और इसके पहले की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज जो आज का चैप्टर है आर एन एच, लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। हम डाउनवर्ड आर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? डाउनवर्ड आर डाउनवर्ड आर किस केस में हम यूज करते हैं वो पहला पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन जब वॉवल आर के पहले आता है किसी भी वर्ड में, अगर वॉवल आर के पहले आए तो हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आम, और, जब कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है और उसके बाद स्ट्रोक आर आता है तो हम डाउनवर्ड आर यूज करेंगे। मतलब आर के जस्ट इमीडिएटली पहले अगर कोई वॉवल आए तो हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। सेकंड केस, बिफोर एन, जब आर एन के पहले आता है। एग्जाम्पल, रूम, एग्जाम्पल रूम, एन के पहले अगर आर आता है तो हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब आर एम के पहले आता है तब हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। रूम, रूम, जब एम के पहले डाउनवर्ड आर आता है तब हम डाउन जब एम के पहले आर आता है तब हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, आर हम तब यूज करते हैं जब कोई भी वर्ड आर पे खत्म होता है, जिसके बाद कोई वॉवल नहीं, कोई स्ट्रोक नहीं आता, तब हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर, इसमें आर के बाद किसी भी स्ट्रोक या किसी भी वॉवल का कोई साउंड नहीं है, इसलिए हम इसमें डाउनवर्ड आर यूज करेंगे। फोर, कार, जब वर्ड आर पे खत्म होता है और आर के बाद कोई स्ट्रोक नहीं, कोई वॉवल नहीं होता, किसी भी स्ट्रोक या किसी भी वॉवल का कोई साउंड नहीं होता, तब हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। अब अपवर्ड आर, अपवर्ड आर हम कब कब यूज करते हैं इसके बारे में, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। कोई भी वर्ड जब आर से स्टार्ट होता है उसके बाद कोई वॉवल आता है,
जब भी कोई भी वर्ड आर से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल रोप, ये वर्ड आर से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद वोवेल है, इसके बाद वोवेल है, वोवेल कम्स आफ्टर आर। जब भी आर पहले आता है और वोवेल बाद में, तब हम अपवर्ड आर लिखते हैं, रोड। कोई भी वर्ड आर से स्टार्ट होता है उसके बाद अगर वोवेल आता है, यानी कि वो वर्ड में जब आर पहले आता है और वोवेल बाद में, तब हम अपवर्ड आर यूज करते हैं। जब आर मीडियली आता है, मीडियली यानी एग्जाम्पल पार्टी, इसमें अगर किसी वर्ड में आर मिडल में आता है तब हम अपर आर यूज करते हैं, मार्क। कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें आर मिडल में आता है तब हम अपर आर यूज करते हैं। थर्ड केस है तब आर के बाद कोई वोवेल आता है, देन फाइनली, फॉर एग्जाम्पल कैरी, मैरी। ऐसे वर्ड जिसमें आर के बाद कोई साउंड, वोवेल का कोई साउंड होता है फाइनली, तब हम अपवर्ड आर यूज करते हैं। Then vowel comes after R, finally. जब vowel, जब final इसमें R के बाद vowel आता है तब हम upward R use करते हैं। Then vowel comes after R, finally. मतलब R के बाद अगर कोई vowel है तो हम upward R लिखेंगे, और अगर कोई word R पे ही खत्म होता है जिसके बाद कोई stroke नहीं, कोई vowel, कुछ कोई sound नहीं है, तो हम downward R use करते हैं, और अगर R के बाद कोई vowel है तो हम upward R लिखते हैं। अपर एच, जनरली हम अपर एच यूज करते हैं, नॉर्मली हर वर्ड के लिए हम अपर एच ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होप, होप, फॉर एग्जाम्पल होप, हैप्पी, नॉर्मली हम अपर हैच यूज करते हैं, जनरल केसेस में अपर हैच यूज होता है। डाउनवर्ड हैच, देन जब हैच अकेले आता है, अकेले स्टैंड लेता है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड when हैच स्टैंड अलोन, एग्जाम्पल ही, हो। जब सिर्फ एच, जब एच के बाद सिर्फ कोई वोवेल होता है तब डाउनवर्ड एच यूज करते हैं, व्हेन एच स्टैंड्स अलोन तब हम डाउनवर्ड एच यूज करते हैं, जिसके बाद कोई स्ट्रोक नहीं, कुछ नहीं, तब हम डाउनवर्ड एच यूज करते हैं। सेकेंड केस बिफोर के एंड डी,
एग्जाम्पल हुक हुक हॉग डाउनवर्ड एच बिफोर के एन डे के के पहले अगर एच आता है तब हम डाउनवर्ड एच यूज करेंगे के और गे के पहले अगर डाउनवर्ड एच आता है तब हम डाउनवर्ड एच यूज करेंगे. सो गाइज दिस वॉज अ चैप्टर अबाउट अल्टरनेटिव साइंस ऑफ आर एंड एच. कब डाउनवर्ड एच यूज करना है, कब अपवर्ड एच यूज करना है, कब डाउनवर्ड आर यूज करना है, कब अपवर्ड आर यूज करना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया. सो दिस वॉज अनफ. थैंक यू. हाई फ्रेंड्स, this is Harinaganand Idumudi, English shorthand instructor. If you want to get more updates with regard to shorthand dictations along with advanced outlines, please subscribe our channel and press the bell icon. If you like the videos, please share to your friends who are prosecuting shorthand.